हम जा रहे हैं खेलने के लिए बैडमिंटन। थोड़ी देर के बाद यहाँ से शूट करूँगा। तो जाने से बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। सुबह मैं ड्रिजल को लेके आया था बाहर, तो मुझे लगा इतनी ठंड नहीं होगी, बहुत ठंड है। देना ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो आप सभी भक्तजनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी जो है ये देखो, तेरे को कैसे पता लगती है कि कोई आई है? तो अभी मैंने जाना है टिक्का लगवाने के लिए, अभी निकल जाएंगे। ऐसे हमारा तो पर को प्लान था, लेकिन लेकिन जिसके साथ जाना है वो कह रहा है मेरे को दिन को काम है, तो हम जल्दी निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तू कोर्ट जा, बिश्ना तो जा ना भाई, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ उसकी। तो अभी रेडी हो चुको जाने के लिए, जैसा कि बताया था जल्दी जाना पड़ेगा। तो दिवाली वाला जो कुर्ता था वही लगा लिया, क्योंकि मुझे लगा ठीक रहेगा। तो अभी आर्यन का वेट कर रहा हूँ, आएगा अभी बाहर, जाएंगे वहाँ से आएगा, देखते हैं मित्रों। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों भाई, टाइम की थोड़ी किल्ली है इसलिए आज रात बकचोदी नहीं चलेगी व्लॉग में। इसको जल्दी है, मेरे को एक्चुअली मेरे को जल्दी है, क्योंकि आज मैंने आना नहीं था। मैंने सोचा फिर मेरे को दिमाग आया कि मेरे को दिन को थोड़ा काम है, तो मैंने कहा उधर के लिए निकलना भाई, क्योंकि आज है सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल मैच है, बहुत खतरनाक मैच है। वही न्यूजीलैंड के साथ ही ना, कहते 19 साल बाद हराया है ना, 19 बाद हराया। यस, अभी 2019 में भी इनसे हारे थे सेमीफाइनल में। हैं ओह माय, तभी तो डर रहा है, जान हलक तक अटकी हुई है। बहुत ही खतरनाक टीम आई है, बहुत खतरनाक टीम इंडिया की। इस बार देखो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, उधर ही आ रहे हैं, चेक्शा पे उधर ही आ रही है, आगे हुई है। अच्छा ओके, तो देखेंगे यार कैसा जाता मेरा। वैसे तो दिन को क्यों नहीं आ रहा था फिर, मैच नहीं है? नहीं अच्छा मतलब मैच देखने को, लाइव कौन करेगा? नहीं नहीं तू कह रहा था लाइव के बाद आऊंगा, एक लाइव के बाद मैच मैच मिस हो जाएगा यार। मैं सचमुच में ट्रैफिक इतना होगा दोपहर को, एक घंटा तो कहीं नहीं गया फिर मेरा, डेढ़ घंटा मिनिमम ट्रैवल करने में। अच्छा फिर टिप्पणी नहीं कर पाओगे मैच के ऊपर? क्या काम भाई, घर चलाना, रोटी खानी खानी, वर्क इज इम्पोर्टेंट। ये अपनी मम्मी को रिटायरमेंट दिलाना चाहता है रिटायरमेंट से पहले, जल्दी जल्दी। यार एक्चुअली मेरा दिवाली वाला व्लॉग आज डल चुका है, आप प्लीज जाके, आज नहीं मतलब कल डल गया, तो आप प्लीज जाके देख लेना। कल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला व्लॉग तो अगले दिन आएगा, अदरवाइज वो आज डलेगा, समझ रहे हो क्रोनोलॉजी। तो बाकी देखते हैं कैसी जाती है हमारी भाई दूज की परंपरा। साथ साथ भी साथ कैसा ना कि आएंगे? नहीं अब नहीं आएगा, ऐसे दिन के लिए प्लान था ना, कहाँ आएगा सुबह सुबह। और अभी उसकी मम्मी डर जाएगी, ये कौन आया तीसरा प्राणी का। ये देखा देखा तो लग रहा है, वो सुबह सुबह आ गई। बीप, ये भी कट होने वाला है। नहीं कट नहीं, डाल दूंगा, डर मारा किसी का, क्या होगा। चलो देखते हैं, बाकी घर पहुंच के करते हैं कॉल आपसे। अपग्रेडेड वर्जन है, आपने दादा वो फिक्र शो कर रहा है। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। लाइट में थोड़ा सा फोकस, फोन तो करने तक पहले बाहर आ, बाहर आओ, तेरे उसमें पता नहीं है कि नहीं है वैसे।
देख लो वो कार पे बात आ रही है अभी। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस मुझे हर्ट। चल चल हाय। तो क्या हुआ? वाह। तेरी वीडियो देखे 37 लिखा था 38 दो दिन पीछे वहाँ पे आज 41 नहीं है। ये छोटी बहन से मेहनत करवाते हुए नहीं तेरा पूरा प्लान ऐसे जाने का बाहर है ना। अगर देखना मैंने अप्लाई वगैरह तो कर दिया है, अब मुझे वहां से रिजेक्ट कर देंगे छह की छह यूनिवर्सिटी में, फिर मैं कैसे जाऊंगी? वो दोनों लिफाफे अपने मेरे को दे देना मैथ्स पर। शो ऑफ मेनु करना पेंदा पता चले बाद में आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई है। ये आवाज हो रही है अभी, वो पीछे म्यूजिक लगा दे वो अलग बात है। बादाम खाएगा सो टेकिंग ओवर द व्लॉग फ्रॉम नाउ। ये चैनल मैं हैंडल करूंगा। कैच खिला 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 ही था खिला। मैं नहीं रहा तेरे सामने खाऊंगा। इसमें नहीं है तो चिढ़ा के खाऊंगा। तो जिम वाला बंदा तो खाए। ये क्या है? मिल्क केक। उसको खा सकते थे उसको। क्या मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने 20 डेज हार्ड स्टार्ट किया था। पहले दिन छोड़ दिया। पहले दिन आया घर पे पूरी हिम्मत से ये वो मैंने चाय में चीनी डाल के मैंने नहीं तेरे जूते के नीचे आए थे भाई। नहीं कोई बात नहीं मुझे बता रहा हमको दिखा रही है फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे एक साथ से चला रहा हूँ कैमरा में। हेलो एक्सक्यूज मी बोलना नहीं। हाँ जी फोटो। तो मित्रों हम निकल चुके हैं चिखा लगवा के अब घर की तरफ जा रहे हैं। इसने मैच देखना इसने लाइव आना है अभी यहाँ लाइव आना है अभी नहीं मतलब जब भी आना है अभी छन्नी जाना है इसने लाइव आना है तो मैं जाऊँगा घर। मुझे भी थोड़ा बहुत काम है खाना वगैरह खाना भूख लगी है खाना खाया नहीं है सुबह से अंडे खाएंगे। 11 बजे नहीं है अभी तक सुबह से खाना नहीं खाया है। मैं 9 बजे खा लेता हूँ ना। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा ब्लॉग में। तो अब देखेंगे आपके साथ कैसा दिन जाता है क्या सेलिब्रेशंस होती हैं। वैसे सेलिब्रेशन क्या हो गया मेरा काम खत्म मैच देखेगा तो आज। हाँ आज पक्का देखना भाई अगर, 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 अगर नहीं मतलब इंडिया जीतेगी ना अगर शायद सेलिब्रेशन हो कुछ छोड़ी आ जाना। कितने बजे? पूरी कोशिश रहेगी यार बिना मजाक के। हाँ आ जाना। ये हमारा KFC है यहाँ पे। टेंशन का माहौल है। टेंशन का माहौल बना हुआ है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच आज। मैच कौन जीतेगा भैया? इंडिया। जय माता दी। ये बोली ना क्या बोलती है? हाँ कोश्की। हाँ कोश्की। आज स्कूल में जाम लगा है बहुत ही ज्यादा। तो ये गली के अंदर एंटर कर लिया मैंने अपने घर की तरफ जाएंगे देखेंगे कैसा दिन जाता है। मैं और सुरेश बैठ के अभी हम अपना दिवाली वाला व्लॉग देख रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया अगर आपने नहीं देखा आप अभी प्लीज़ जाके देख सकते हो। तो अभी मेरी एक सिस्टर आ रही है वो एक्चुअली भद्रवा होती है मेरी मासी की बेटी वो भद्रवा होती है। तो उससे मैंने बहुत ही रेयर हो पाता है कि उससे कभी राखी या टिक्का हो पाए। तो आज वो बाई चांस जम्मू में ही है तो वो भी आ रही है मेरे बड़ी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आ रही है। एक मेरी छुटकी बहन भी आ रही है उससे मिलाऊंगा। तो ये है मेरी दो बहनें। तो अभी हम टिक्का लगवाएंगे बहना मेरी जो मस्त रूलो मस्त
बताना आखिर आपको कौन सा व्लॉग सबसे ज्यादा अच्छा लगा? वो माता रानी का और कहानी व्लॉग। माता रानी का बाह वाली माता कहानी अच्छा था। उसमें क्या था? उसमें बताया भी था आपने। क्या वो नहीं बताया था कि कैसे बताएं? कल आप भी आओगे कैमरा में? हाँ। क्या हुआ? किसने ये पूरा प्लान जिसने मेंटली स्पॉन्सर किया है? भद्रवा सीरीज थोड़ी चल रही है ये भद्रवा सीरीज नहीं, चक्कर और दूसरा चक्कर ये है, भद्रवा इज इन जम्मू है। चक्कर ये है कि दैट इज द मेन पॉइंट मैं थ्रो क्या बोल रहा है मुश्किल है। तो अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी मनाने। ये भाई मेरा, ये वही हमारी टीम का मेंबर। गाड़ी कहाँ लगाई है? तो हम आए थे बर्थडे मनाने, यहाँ पे पीछे रह गया वो। तो अब हम लोस दो करे जा रहे हैं। तो घर आके अब वापस जाना पड़ रहा है कि पापा के साथ मेडिसिन लेनी है मम्मा के लिए, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, हमने एक्चुअली गुंजन का बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो वो सेलिब्रेट किया, खाया पिया सबने। अब वो बैठे थे अपनी गप्पे लगी थी तो तब मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जा रहा हूँ फिर से, घर आ गया तो फिर से जा रहे हैं। वकील साहब आज चेहरा देखना प्रॉपर आ रहा है। हाँ, तो आज उनका बहुत ज़्यादा काम था, केसेस थे, और आज हमारी बहन का भी बर्थडे था जो हमारे घर पे आए थे, तो इसलिए अभी हम निकले हैं। यानी वे थके थे और सो गए, अभी हम निकले हैं बाहर थोड़ा घूमने, और हमें मौका मिला बाइक लेके आने का। देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे देखते रहिए। अंकल जी तो कहते यार, तो जैसा कि इसने बताया मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी था सुबह से, तो वो थक गया था। तो मैंने कहा चल सुरेश मोड़ पर चलते, चक्कर चुक्कर भी बच जाएंगे हमारे, और हम कुछ काम से ऐसे काम हमने कर लिए, अब हम डायरेक्ट घर की तरफ जा रहे हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। तो घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो काम कंप्लीट करके हम घर आ गए थे, अभी मैच देख रहे हैं। बहुत ही क्या, पापा ने कुछ सामान मंगाया था। तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हो मैच लगा हुआ है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, बहुत ही क्रूशियल मैच है, सेमीफाइनल आईसीसी वर्ल्ड कप का। इनको बहुत ज्यादा टेंशन है अभी इस टाइम पे। तो आउट 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 आउट, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। बहुत अच्छा मैच जा रहा है, आई एम वेरी मच डिलाइटेड दैट इंडिया मस्ट विन एंड ग्रैब द फाइनल्स आल्सो। शमी ने आज कमाल कर दिया, बेशक एक कैच छोड़ा उसने, लेकिन उसके बाद उसने जो दो विकेट ली हैं उस वजह से थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया। अभी मैं मैच देखती नहीं हूँ, मुझे मैच समझ भी नहीं है, बोरिंग लगता है, पर एंड वाला जो होता है ना, इतने बॉल में इतने रन, कौन जीता बस, मतलब चार पांच बॉल जब बचती है उनकी, वो बड़ा मजा आता है। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स, क्रूशियल मोमेंट्स मोमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बाकी नहीं। मोहम्मद शमी आ चुके हैं बॉलिंग कराने, अभी तक जो चार विकेटें गई हैं उसमें से चारों के चारों मोहम्मद शमी ने लिए हैं। आप देख रहे हो अभी आपकी आंखों के सामने लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ सर, लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। विराट कोहली हिटिंग सेंचुरीज डिस्पाइट ऑफ दैट, मोहम्मद शमी टेकिंग फोर विकेट्स, हैज डन अ ग्रेट जॉब फॉर इंडिया। राहुल द्रविड़ वाज द ओनली प्लेयर, बोलने तो राहुल द्रविड़ वॉज द ओनली प्लेयर जिससे खुद शोएब अख्तर भी डरते थे बॉलिंग डालने से। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वैसे ही उसको इंडिया का वॉल माना जाता था, क्योंकि व्हेन ही यूज्ड टू कम टू द पिच इट वॉज वेरी टफ टू गेट हिम आउट। 12 बॉलों में 78 रन चाहिए। आउट ऑफ जीत गए, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, 7 विकेट ली गई है, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। इस बंदे की मेहनत है, और आज इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, 50 वर्ल्ड रोड या सेंचुरीज। भारत 70 रन से जीता मित्रों, बहुत मजेदार मैच। हम मिलते हैं आपसे कल।
हर हर महादेव। छपका गया है, वेट बैकअप भाई, बैकअप आपका बैकअप।